हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और इसमें मैं दिखाने वाला हूँ नवरात्रि की तैयारी किलबिल सोसाइटी में ढेर सारे कैरेक्टर्स के कपड़े आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े आ चुके हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ये सोचते हुए कि जब भी फेस्टिवल आता है हर कैरेक्टर को कुछ नया चाहिए <laughs> हर कैरेक्टर और मेरे कपड़े इतने हो गए इतने भर गया है पूरा रूम कोई उसको लेके जाओ क्योंकि एक फेस्टिवल होने के बाद मैं वापस वो कपड़े पहनता ही नहीं हूँ तो आपको भी चाहिए कि कोई नया कपड़ा हो या फिर नए नए कपड़े नए कपड़े इसलिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ रिसाइकलिंग करने वाला हूँ यानी कि मैं मेरे ही कपड़ों से कुछ नया क्रिएट करूंगा एंड मैं वही पहनूंगा अगले फेस्टिवल्स में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़े हम ले तो रहे बट उसका यूज़ भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी देखो नवरात्रि के मैंने कपड़े ऑर्डर किए हर कैरेक्टर के लिए हर कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए ज्वेलरी तो खैर आती रहेगी ज्वेलरी का कुछ नहीं बट कपड़ों का बड़ा इशू होता है कि कपड़े क्या करें बाद में अभी ये नवरात्रि के लिए तो मैं पहन लूंगा बट नवरात्रि होने के बाद नेक्स्ट ईयर भी फिर सेम कपड़े पहनेंगे तो आप बोलोगे अरे भैया ने तो सेम ही कपड़े पहने तो फिर मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के अभी मैं ये जो आए हैं इसका हम जरूर रिसाइकल करेंगे नेक्स्ट ईयर और फिर आपको दिखाएंगे रंगी बिरंगी डिजाइनर कपड़े मैंने जो किए ताकि हम वेस्ट भी नहीं करना चाहते तो ये कपड़े मैं वैसे ही संभाल के रहूँगा अभी ये देख सको काफ़ी सारे आए और हर कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए मैंने ऑर्डर किया था और प्रॉब्लम ये है ना ये अमेजोन वाले मतलब वो देते हैं पर वो पूरा सिला हुआ नहीं होता आपको सिल सिलवाना पड़ता है फिर वो आधा अधूरा और मैं वहाँ पे पड़ता भी नहीं स्टिच है या अनस्टिच क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी होती है ऑर्डर करने की तो अभी आ चुके हैं और सारे के सारे ही अनस्टिचड है जो कि मुझे खुद सिलवाने पड़ेंगे मम्मी से या फिर मुझे ही खुद सिलवाने पड़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं बाहर जाके उनको कहूँ कि मास्टर जी मुझे इतना सिलवा के दीजिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हाँ देखो चिल्लम चिल्लाई हो रही इनकी तो बेसिकली लड़कों का तो बहुत आराम सा है लड़कों का मैंने शर्ट है और शर्ट के ऊपर मैं ये पहनने वाला हूँ बट लड़कियों का लड़कियों के लिए हाँ ये देखो ये एक है जो मैंने इस बार ऑर्डर किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला तो ये हम सारे बॉयज़ को पहनाएंगे गर्ल्स को भी पहन सकती है अच्छा लगेगा ये शिला के ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा और ज्वेलरी बहुत सारी ज्वेलरी है जैसे कि ये है ये बेसिकली कुछ मोती का है मैंने ज़्यादातर मतलब ऐसी मंगवाई है जो जो कि नवरात्रि टाइप यू नो थोड़ा गुजराती टाइप है राजस्थानी टाइप है तो ऐसी मैंने ज़्यादातर मंगवाई है और ये ये जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सारे ऐसे मतलब ये लहंगा है बट इसको हमको सिलवाना पड़ेगा वैसे तो है ये अच्छा बट इसके ऊपर का जो ब्लाउज है वो करना पड़ेगा ताकि इसका पूरा आ जाए तो आज गुरुवार मैंने कल इसीलिए जो उस समय तो जो शुक्रवार की छुट्टी ली थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनको सेटल करना है मुझे नवरात्रि का सेटअप लगाना है और नवरात्रि का सेटअप जहाँ पे हम सब गरबा वगैरह हाँ कितना गंदा दिखता देखो ये देखो <laughs> और नवरात्रि का सेटअप लगाने के लिए आ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डेकोरेशन और डेकोरेशन के साथ साथ वहाँ पे हमें शूट भी करना है तो उसको ध्यान में रखते हुए कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे खड़ा रहेगा कौन से कैरेक्टर का क्या क्या डायलॉग होगा डांस किसका किसका होगा कौन कौन ठुमके लगाएगा ठुमका ठुमके के बिना तो हमारी सोसाइटी में कोई भी फंक्शन नहीं होता तो देखो ये ऐसा आता है अभी इसको मुझे सिलवाना पड़ेगा एक तो मम्मी से या फिर मुझे खुद बैठ के इस, इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जब टाइम आपके पास नहीं होता आपको जल्दी जल्दी करना है कैरेक्टर भी अच्छा दिखना चाहिए और किसी को समझ में भी नहीं आना चाहिए कि क्या हुआ है उसके पीछे सिंड्रेला का किया था मैंने जो ड्रेस इतना उसको मैंने रे सुबह दस बजे तक मैं उसको ये कर रहा था और फिर उसके बाद मैंने सिंड्रेला का शूट करके वो एपिसोड साढ़े तीन बजे तीन बजे डाला शायद ये देखो ये एक है तो ये ये जो चुंदरिया है वो अच्छी है इसके ऊपर और नीचे का बस मुझे ये करवाना पड़ेगा और साथ ही एक ज्वेलरीज मुझे आपको दिखानी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर ज्वेलरी आई है और ये मैं शायद से पहनाऊँगा शरवरी को नाजुक है ना अच्छा दिखेगा उसको और ये जूंगा आप, आप बहुत सारे पूछते हो कि मेरे प्रेस्ट मेरे ईयर प्रेस्ट है कि नहीं हाँ मेरे प्रेस्ट है मतलब बचपन से ही मेरे बहुत बड़े बड़े थे और मैं जब प्ले करता था स्कूल में तब तो लगते थे तो मैं मतलब जैसे बचपन में मैं ऐसा रोल करता था गंगू बाई का रोल हो गया या फिर स्कूल में जब गैदरिंग्स होते थे तो मैं तो यूजुअली मतलब मम्मी के डाल देता था मैंने कहा चलो फिर वो बचपन से ऐसे डालते डालते हुए तो वो मतलब ये हुए ही नहीं वो अभी काम आ रहे हैं फिर ये और देखो ये भी ऐसा ही है बहुत सारी चीजें आ चुकी है मैं आपको दिखाने और ये वे नहीं दिखा सकता आपको ये तो आपको एक सरप्राइज ही है Uh, क्योंकि सोसाइटी में जल्दी शादी होने वाली है तो उसका जो डेकोरेशन है वो भी यहाँ पे है तो मैं वो नहीं देखा हाँ ये जोया के लिए मैंने चूज़ किया है ये मुझे देखते ही बहुत पसंद आया था तो मैंने कहा कि अब मैं ये भी सोचता हूँ कि वो कैरेक्टर वो कैरेक्टर कैसा लगेगा मतलब मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ हाँ ये, ये, ये इसमें अच्छा लगेगा आ, शर्वरी के लिए शायद से मैं ये पहनूँगा और उसके ऊपर वाइट कलर का बहुत अच्छा लगेगा तो ये मैं शर्वरी के लिए पहनाऊँगा जोया के लिए ये वो लड़कों का तो बहुत ईजी है आ, ये शशिबेन पहनेंगे शायद से अच्छा लगेगा शशिबेन के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें भाई साहब ये शायद पहनेगी सुमित्रा या फिर दादी के लिए दादी बहुत अच्छी लगेगी इसमें है ना नहीं पर ये ज़रा सा गाउठी लग रहा है ना लाइक थोड़ा सा रूदर टाइप मॉडर्न चाहिए हमारी दादी मॉडर्न है दादी को ऐसा कुछ देना चाहिए दादी को नहीं जाने दो चलो अभी ये कर्टन से मैं यूजअली ज़्यादा कर्टन्स यूज़ करता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड मेरा ऐसा है तो इसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कर्टन्स बहुत सारे आए इस बार मैं थीम रख रहा हूँ रेड की ना क्या कहते हैं ऑरेंज और उसके साथ हम येलो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली नवरात्रि है तो इन तीन कलर के साथ मैं कर रहा हूँ इस बार की नवरात्रि एंड फ्लावर का डेकोरेशन होगा जो कि बहुत सारे फ्लावर्स है मेरे पास तो देखते हैं आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा पूरा डेकोरेशन कैसा होता है फिर उसके बाद में सारे कॉस्ट्यूम वाला उसके ऊपर एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा सारे कॉस्ट्यूम पहनने के बाद सब कैसे दिखते हैं सब सब उसका सब व्लॉग आएगा अभी तो ये सब चीज़ें आ गई हैं आप देख सकते हो इन चीज़ों को ही मुझे संवारते संवारते आज का दिन जाने वाला है और फिर सब मुझे डेकोरेशन भी करना है तो डेकोरेशन हम करेंगे उसका मैं एंड में सब दिखा दूँगा कि कैसे मैंने डेकोरेशन किया है नवरात्रि का एंड आई होप आपको ऐसे ही मेरे वीडियोस अच्छी लगे और ब्लॉग भी अच्छे लगे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ पूछना चाहते हो कमेंट्स में पूछिए नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसका उसका आंसर आपको दे दूँगा बहुत जल्दी क्यू एन ए भी करने वाले हैं तो ठीक है गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही अभी इस सब को साफ करके मुझे डेकोरेशन करना है डेकोरेशन का ब्लॉग भी आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में <laughs>